सौभाग्य है कि मैं जब उड़ीसा आई हूँ तो एक दूसरा खास मौका है। मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ। समस्त उड़ीसा वासियों को और खास तौर से यहाँ की मातृशक्ति को इस राज्य के प्रमुख पर्व रजो पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यहां आगमन के उपरांत मुझे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के बारे में जानकारी मिली, किस प्रकार 3 दिन तक लगातार प्रकृति का, धरती माँ का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति का पूजन किया जाता है, मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है। ये बेहद अनूठी परंपरा है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब मैं आप सबके बीच उड़ीसा राज्य में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, तो इस रजो पर्व में मुझे भी मेरी बहनों के साथ सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद होगा कि किस प्रकार इस रजो पर्व के माध्यम से परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, पारंपरिक भोजन बनाती हैं, बहुत सारा हर्षोल्लास, खुशियां पूरे वातावरण में होती हैं और पूरा राज्य ही इस रजो पर्व की खुशी और उल्लास में लीन होता है। तो आज मुझे भी कुछ ऐसे सौभाग्य के क्षण प्राप्त होंगे इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बार फिर आप सभी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।